सो गाइस, असमान डायमीटर मींस अनइक्वल डायमीटर के लूप को जोड़ने के लिए शीट बेंड नॉट का यूज किया जाता है, जो दो टाइप के होते हैं, सिंगल शीट बेंड नॉट एंड डबल शीट बेंड नॉट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक वसी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। तो आज का टॉपिक है सिंगल शीट बेंड नॉट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूं, असमान डायमीटर मींस अनइक्वल डायमीटर के रोप को जोड़ने के लिए सिंगल शीट बेंड नॉट का यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से लगेगा। तो आज मेरे पास दो रोप है, ये एक अलग रोप है, ये अलग रोप है, ये 10 mm का रोप है और ये 8 mm का रोप है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए सिंगल शीट बेंड नॉट का यूज करेंगे हम। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले तो आप रोप को इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है, और उंगली को इस तरीके से रखिए। एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 8 mm के रोप को 10 mm के रोप के नीचे से लाना है, उंगली से राउंड घुमाना है और जहां से मेरा उंगली गया हुआ है वहीं पर अंदर ले जाना है, ठीक है, बाहर की ओर। तो ये लग गया सिंगल शीट बेंड नॉट। ये देखिए, ये है सिंगल शीट बेंड नॉट, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, इसमें लगा दीजिए एक थंब नॉट, ये लग गया। अब उसी तरीके से इस साइड भी लगा दीजिए थंब नॉट, तो ये देखिए सिंगल शीट बेंड नॉट कंप्लीट है। इसको आप बार बार देखिए, घर में प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो डबल शीट बेंड के ऊपर रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। सेव वाटर, सेव नेचर। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।